हो गया सर अभी। किसी की स्पीड का रेशियो हम निकाल सकते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं वो दौड़ लगाते हैं, एक की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ लगाता है, दूसरा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ लगाता है, दोनों की स्पीड का रेशियो निकालो तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, दोनों की स्पीड को हम क्या कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। लेकिन रेशियो मैंने अभी अभी बताया बेटा, उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। अगर ये किलोमीटर में इसकी जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है तो दूसरे स्टूडेंट की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही होनी चाहिए। ये नहीं ये मीटर पर सेकेंड में हो गई, ये किलोमीटर में हो गई, उसका रेशियो हम नहीं निकाल सकते। उसके लिए सबसे पहले हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल जो हमारे पास रेशियो है उसका बेसिक बताया है कि रेशियो निकालने के लिए हमें दो थिंग्स चाहिए, दो ऑब्जेक्ट चाहिए, और दोनों की किसी भी हाइट का, वेट का, या किसी की स्पीड का, किसी की डिस्टेंस का हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटीज का। जब दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करेंगे वही हमारे पास क्या कहलाएगा रेशियो कहलाएगा। रेशियो का सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो सिंबल होता है ये रेशियो का सिंबल होता है, रेशियो को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल देखें तो ये कहता है लेट एज ऑफ टू स्टूडेंट्स ए एंड बी इज 12 इयर्स एंड 15 इयर्स। दो स्टूडेंट्स ए और बी दिए और कहता उन दोनों की एज है ना वो 12 इयर्स और 15 इयर्स है रेस्पेक्टिवली। मतलब ए की जो एज है वो 12 इयर्स है और जो बी की एज है वो 15 इयर्स है। इसका हमें रेशियो निकालना चाहे तो रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी रेशियो निकालेंगे किसका ए एंड बी का, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 12:15। इस बात में एक बात ध्यान रखना बेटा, जब हम ए का रेशियो बी के साथ निकालें, ए एंड बी लिख रहे हैं, तो मतलब जो हमारी फर्स्ट टर्म आएगी ना वो ए की एज ही आएगी 12 ईयर आएगी, सेकंड टर्म हमारी बी है तो सेकंड टर्म हमारी किसकी आएगी बी की एज आएगी 15 ईयर। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कि ए और बी का रेशियो लिखा हमने और 15 और 12 लिख दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑर्डर जो हमारा है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर ए है तो फर्स्ट पोजीशन पर ए की ही एज आएगी, सेकंड पोजीशन पर बी है तो सेकंड पोजीशन पर बी की एज या फिर वेट या कुछ भी है, हाइट है या फिर डिस्टेंस है, जो भी है वो सेकंड पोजीशन पर बी की ही आएगी, बी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इनका ऑर्डर जो है वो खास ध्यान रखना, ऑर्डर अगर चेंज हो गया तो ये गलत हो जाएगा। ये हमारे पास रेशियो आ गया 12:15। अब इस रेशियो को बेटा हम स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर बोल सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है 12 एंड 15, लेकिन इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए बिल्कुल जो हमने फ्रैक्शन में जो मेथड यूज किया था वही बिल्कुल अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन में हमने क्या देखा था, जब दो फ्रैक्शन हमारे पास या फिर एक फ्रैक्शन होती थी 12/15, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड चेंज करने के लिए उसके एचसीएफ से हम दोनों को डिवाइड करते थे। कोई फ्रैक्शन हमारे पास मान लो ये 12:15 है, इसको हमने 12/15 लिख दिया, 12/15 हमारे पास क्या बन गई एक फ्रैक्शन बन गई, और इस 12/15 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें 12/15 की एचसीएफ से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को। 12 एंड 15 के एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, 12 एंड 15 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 3, दोनों के एचसीएफ से डिवाइड करेंगे 3 से, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 4/5 हमारा क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 4/5। ये एक तरह से जैसे हमने इक्विवेलेंट फॉर्म निकाली थी या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमने निकाली थी फ्रैक्शन में, सेम उसी तरह से काम करेगा बेटा। सिंपलेस्ट फॉर्म हमने निकाली थी आपको ध्यान हो रेशियो की, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर किए थे। फ्रैक्शन के हमने सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले एचसीएफ निकालते थे और जो भी एचसीएफ आता था उसी से दोनों को डिवाइड कर देते थे, वही उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती थी। वही काम यहाँ पर करना है, जो 12/15 है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 12/15, दोनों के एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे 4/5, मतलब 4:5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 12/15 की। ठीक है, इसको अगर वापिस हमें 4/5 से
12 अपॉन 15 बनाना हो तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, यही बन जाएगा वापस। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑप्टी है, ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो ये रेशियो आ गया 12:15 या फिर 4:5, कोई भी रेशियो हो, कहता है इस तरह से जब रेशियो निकल जाता है तो 12 जो होती है ना, 12 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, जो हमारे पास पहली डिजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। रेशियो में जो पहली टर्म या पहली डिजिट होती है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और फर्स्ट टर्म के अलावा उसको और क्या बोल देते हैं, एंटीसीडेंट। 12 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, ठीक है। ये वैसे इतना काम नहीं आता है, लेकिन एमसीक्यू में इसका यूज हो जाता है। एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि जो इसमें एक रेशियो दे दिया हमें 12:15, वो कहता है इसमें एंटीसीडेंट बताओ, एंटीसीडेंट क्या है। तो वो एकदम से अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान है नाम तो आप बता दोगे, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हैं, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म मतलब एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म कौन सी है, 12 को हम एंटीसीडेंट बोलेंगे या फिर फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं, दोनों है। जो 15 हमारे पास है, 15 जो हमारे पास है उसको बोलेंगे 15 इज कॉल्ड सेकंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। 15 को सेकंड टर्म या फिर कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी उसी तरह से क्वेश्चन बनता है, एक रेशियो हमें दे देगा, ये रेशियो दे दिया 3:5 दे दिया, कहेगा 5 जो है वो कौन सी टर्म है, एंटीसीडेंट है या कॉन्सिक्वेंट है। तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, 5 कॉन्सिक्वेंट हो जाएगी और 3 जो है एंटीसीडेंट हो जाएगी, ठीक है। या फिर 3 है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, 5 है वो सेकंड टर्म हो जाएगी, ठीक है। जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो फर्स्ट टर्म, सेकंड पोजीशन पे है वो सेकंड टर्म, एक दो बेसिक रूल्स हैं वो आपको बताऊं मैं। फर्स्ट सबसे पहले कहता है ए रेशियो हैज नो यूनिट इन इटसेल्फ, कहता है रेशियो की अपने आप में कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन रेशियो को निकालने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। रेशियो को जब हम निकालते हैं तो जिन ऑब्जेक्ट्स का, जिन क्वांटिटीज का हम रेशियो निकाल रहे हैं उनकी यूनिट हमें चाहिए, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई रेशियो की यूनिट पूछे तो रेशियो की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। रेशियो को हम सिंपल जैसे 12:15, 4:5 सिंपल इसी तरह से लिखेंगे, इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं आएगी रेशियो के साथ, ठीक है। ये नहीं इसके साथ ईयर्स लगा हुआ था, हमने इसके साथ 12:15 ईयर्स लगा दिए, नहीं, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। सेकंड कहता है ये रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, कहता है रेशियो को हमेशा हम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने किया था 12:15 को 4:5 में एक्सप्रेस किया था, इस तरह से कहता है कोई भी रेशियो जब हम निकालते हैं अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हमेशा पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है ऑलरेडी उन दोनों का एचसीएफ 1 हो तो उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर एचसीएफ हमारा 1 से ज्यादा है तो सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। वो रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है जब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड वाला कहता है टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड फर्स्ट एक्सप्रेस देम इन द सेम यूनिट, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि जो दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटीज का हम रेशियो निकालते हैं, कहता वो रेशियो पहली बात तो वो सेम तरह की क्वांटिटीज होनी चाहिए, हाइट का रेशियो हाइट से, वेट का रेशियो वेट से, स्पीड का रेशियो स्पीड से, डिस्टेंस का रेशियो डिस्टेंस से, किसी भी चीज का रेशियो निकालते हैं वो सेम तरह की थिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। किसी के मार्क्स का रेशियो निकाल सकते हैं कि एक स्टूडेंट के इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, दूसरे स्टूडेंट के इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, वो भी रेशियो हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकाल सकते हैं कि मान लो फर्स्ट क्लास में इतने स्टूडेंट है, सेकेंड क्लास में इतने स्टूडेंट है, दोनों का रेशियो हमने निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स का रेशियो हम स्टूडेंट से ही निकाल सकते हैं, इस तरह से कहता है दोनों सेम काइंड की होनी चाहिए। दूसरी बात फर्स्ट एक्सप्रेस देम इन द सेम यूनिट, अगर उनकी यूनिट सेम नहीं है तो हम उनको सेम यूनिट में चेंज करेंगे,
मैंने आपको पीछे ही बता दिया था ये कि उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस का रेशियो हम निकालते हैं तो डिस्टेंस का रेशियो किलोमीटर का रेशियो हम किलोमीटर से ही निकालेंगे, ये नहीं है एक डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में दी हुई है दूसरी डिस्टेंस हमारे पास मीटर में दी हुई है तो हम उनका रेशियो निकाल देंगे डायरेक्ट, वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। पहले उसको चेंज करो, उसके बाद दोनों को सेम यूनिट में चेंज करो। आप चाहो तो किलोमीटर से मीटर में चेंज कर दो या फिर मीटर से किलोमीटर में, उसी यूनिट में क्या हो जाएगा उनका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ये कहता है। अगला पॉइंट कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो, एक रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म हमें बताता है। कहता है टू एक्सप्रेस ए रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म डिवाइड द बोथ टर्म बाय देयर एचसीएफ। एक रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ टर्म्स बाय देयर एचसीएफ, दोनों टर्म्स को उनके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। पीछे जैसे दिखाया था 12:15 था, दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया। हमेशा जैसे हमने फ्रैक्शन में किया था सेम नंबर से ही डिवाइड करना है दोनों को। डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 3 से, न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करने का आगे आएगा। अभी हमें सिर्फ डिवाइड का देखना है कि डिवाइड कैसे करना। एक रेशियो हमें दे दिया 15:20, कहता है 15:20 को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। तो 15 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 15 एंड 20 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एचसीएफ निकालने के बाद रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, 15:20 का मतलब होगा 15:20 में 15 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे, 20 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे। जब 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आ गया, 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, 3/4 का मतलब होगा 3:4, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। 3:4 15:20 की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इसके बाद अगर इसको करना चाहिए तो 3 और 4 का एचसीएफ आप देखो 1 आएगा, इसको आगे सिंपलीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से हमने फ्रैक्शंस में किया था, मान लो ये हमें एक फ्रैक्शन की फॉर्म में भी दे सकता है कि 15/20 एक फ्रैक्शन दे दी, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए इन दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे, वो कितना आ जाएगा 3/4, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गई। ये रेशियो बना दिया इसका हमने 3:4, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो रेशियो और जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है उनके ऊपर जो हम ये ऑपरेशंस करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म निकालते हैं, वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उनका। एक इक्विवेलेंट फॉर्म भी आएगी, इक्विवेलेंट फॉर्म भी हम सेम उसी तरह से जैसे हमने फ्रैक्शन में किया था सेम उसी तरह से हम इक्विवेलेंट फॉर्म निकालेंगे रेशियो की, इक्विवेलेंट रेशियो हम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा आगे आएगा, पहले हम कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं इनके ऊपर, सिंपलेस्ट फॉर्म के ऊपर और सिंपल क्वेश्चंस है रेशियो के। पहले क्वेश्चन में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो, कुछ हमें स्टेटमेंट दे दी है और उस स्टेटमेंट को हमें कहता है रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ ए कार। कहता जो स्पीड ऑफ ट्रेन है ना वो ट्वाइस होगी, टू टाइम्स होगी, किसका टू टाइम्स, स्पीड ऑफ कार का। अगर स्पीड ऑफ कार हमारे पास 5 आ गई तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, इसका 2 times 10 हो जाएगी, रेशियो 5:10 बना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। कुछ भी मान लो आप स्पीड ऑफ कार कुछ भी मानकर चल लो, हम मान लिया स्पीड ऑफ कार एक्स मान ली तो उसकी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, इसका 2 times 2x हो जाएगी, इसका रेशियो निकाल दो। कुछ भी मान लो आप कोई क्वांटिटी मान लो या फिर x मानकर चलो या फिर 1 मानकर चलो, मैंने 1 मानकर सिंपलीफाई किया है, आप चाहो तो x मानकर कर सकते हो बेटा। कहता स्पीड ऑफ ट्रेन इज ट्वाइस स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार का 2 times है तो सबसे पहले हमने स्पीड ऑफ कार ही मान ली, लेट स्पीड ऑफ कार 1 है, स्पीड ऑफ कार की वैल्यू हमने 1 मान ली, आप इसको x भी मान लेना कुछ भी मान लेना वैल्यू सेम आएगी। जब स्पीड ऑफ कार 1 हो गई तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, इसका 2 times हो जाएगी, 1 का 2 times क्या हो जाएगा 1 × 2, ये स्पीड ऑफ कार आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई, इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन टू स्पीड ऑफ कार
कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 है, स्पीड ऑफ कार 1 है, 2:1, 2:1 हमारे पास क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया किसका, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार का। ठीक है, आपको अगर मैं एक्स मान की करवाना चाहूं तो आप देखो एक बार, हमने मान लिया कि स्पीड ऑफ कार यहाँ पर एक्स मान लिया, जैसे ही स्पीड ऑफ कार एक्स मानेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ये एक्स ये 2x, रेशियो कितना आ जाएगा, 2x रेशियो x। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे दोनों को x से डिवाइड कर देंगे, यहाँ x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ 2 बच गया और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 1 बच गया, 2:1, वही आंसर सेम आएगा, 2:1। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, अगर आपको यहाँ पर 1 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि 1 कैसे आ गया, 1 को किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर x मान लेना, x जो भी होगा वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, 1 मान के, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना इसमें कि 1 में किस तरह से x मान कर करवा देंगे, x में भी कोई दिक्कत नहीं, सेम हमें x को फिर कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 से करवा दिया डायरेक्ट, कि 1 मान कर करने से हमें आगे उसको डिवाइड नहीं करवाना पड़ता। अगर यहाँ पर x मान कर चलते हैं तो x और 2x हो जाता है, फिर हमें x से दोनों को कैंसिल करना पड़ता है। क्या हो गया इसका, बेटा अगर कोई दिक्कत नहीं है तो माइक बंद कर लो। मीनाक्षी, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट में कहता है द नंबर ऑफ फीमेल इन ए विलेज इज 3 times द नंबर ऑफ मेल। कहता कोई गांव में जो नंबर ऑफ फीमेल्स है हमारे पास वो 3 times है, किसका 3 times, नंबर ऑफ मेल्स का। अगर नंबर ऑफ मेल्स हम 1 मानकर चले, लेट द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज इज 1, अगर नंबर ऑफ मेल 1 हो जाएंगे तो नंबर ऑफ फीमेल कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। बेटा ये लिखा तो था लेकिन ये जैसे फ्लैश की वजह से नहीं आया, तो इसको आप फिल कर लेना, बाकी मैं चेंज करके भेज दूंगा, ये कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि इसने बताया हुआ है कि जो नंबर ऑफ फीमेल होगा वो 3 times होगा मेल्स का। मेल अगर हमने 1 मान लिया तो फीमेल कितना होगा, 1 multiply 3 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल, फीमेल टू मेल का रेशियो हमने निकालना है, तो फीमेल हमारे पास कितनी आई, 3, मेल हमारे पास कितने आई, 1:3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशियो। अगर x की तरह देखें तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ मेल इन विलेज x, जैसे ही नंबर ऑफ मेल आ गई नंबर ऑफ फीमेल कितने आ जाएंगे, 3x, 3x रेशियो x, दोनों को x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करते ही कैंसिल, 3 और यहाँ पर 1, 3:1 सेम आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 पुट कर देना, 1 multiply 3 = 3। थर्ड वाले पार्ट में कहता है द नंबर ऑफ गर्ल्स वर्किंग इन एन ऑफिस इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। कहता हमारे पास कोई ऑफिस है तो ऑफिस में जो नंबर ऑफ गर्ल्स काम करती हैं, टोटल गर्ल्स जो काम करती हैं वो 2/3 हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज का। नंबर ऑफ गर्ल्स वर्किंग इन एन ऑफिस इज 2/3 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, जो टोटल गर्ल्स हैं वो 2/3 हो जाएंगी टोटल बॉयज का। तो भाई हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ऑफिस 1 मान लिया, अगर टोटल बॉयज 1 है तो टोटल गर्ल्स कितनी होंगी, इनका 2/3, 2/3 किसका, 2/3 ऑफ बॉयज, और 2/3 ऑफ बॉयज का मतलब होगा 2/3 ऑफ 1, 1 multiply 2/3 और ये 2/3 एच डी जाओ। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज हमने 1 माना, जैसे नंबर ऑफ बॉयज 1 माना, कहता जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज का 2/3 है, तो 2/3 हमने निकाल दिया बॉयज का, 2/3 ऑफ बॉयज, 2/3 multiply 1 और 2/3 multiply 1 का मतलब होगा 2 multiply 2/3 एच डी। अब इस 2/3 से भी आपको डरना नहीं है, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखो रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो हमें निकालना है कि कितनी गर्ल्स होंगी कितने बॉयज होंगे,
तो वो रेशियो हमने निकाला, गर्ल्स हमारे पास कितनी आई 2/3 और बॉयज कितने आई 1, तो 2/3 रेशियो 1। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है ना उसी से दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करवा दो। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 3 है, अगर हम दोनों रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई में आएगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ टर्म बाई 3, दोनों टर्म्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों टर्म्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2/3 मल्टीप्लाई 3 रेशियो 1 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एज इट इज बच गया और 1 मल्टीप्लाई 3 3 बच गया, 2:3 क्या हो गया जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2:3 आंसर। जो भी डिनोमिनेटर में आता है उस डिनोमिनेटर से ही दोनों को क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाते ही डिनोमिनेटर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में कुछ भी बच जाए उसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2:3। ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ पार्ट में है, कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इंग्लिश टेस्ट इन ए क्लास इज 3/4 ऑफ द नंबर दैट अपीयर्ड। कहता है जो हमारे पास एक इंग्लिश का टेस्ट होता है क्लास में, उस इंग्लिश के टेस्ट में जितने स्टूडेंट्स पास होते हैं, जो स्टूडेंट्स पास होते हैं वो 3/4 है, 3/4 ऑफ द नंबर दैट अपीयर, वो 3/4 किसका है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास अपीयर हुए थे टेस्ट में, जिन्होंने टेस्ट दिया था, जितने टोटल स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था उसका 3/4 ही पास हो पाते हैं। मान लो एक टेस्ट हुआ इंग्लिश का, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, कहता उन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था उनमें से 3/4 ही क्या हो पाए पास हो पाए, बाकी सभी फेल हो गए। तो हम मान लेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन टेस्ट 1, मान लिया कि टोटल स्टूडेंट कितने अपीयर हुए थे, 1 स्टूडेंट अपीयर हुआ था। उसके बाद कहता है जो पासिंग स्टूडेंट्स हैं, पासिंग स्टूडेंट कितना है 3/4 ऑफ द टोटल स्टूडेंट, तो 3/4 × 1, 3/4 ऑफ द टोटल निकाल दिया हमने, 3/4 × 1 और ये क्या आ गया 3/4 एज इट इज आ गया। इसका रेशियो हम निकाल देंगे, रेशियो निकालने के लिए रेशियो ऑफ स्टूडेंट पास टू अपीयर, जो टोटल स्टूडेंट पास हुए उनका रेशियो जो टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए थे उनके साथ निकालेंगे, पास कितने हुए 3/4 रेशियो 1, 3/4 रेशियो 1 आ गया। हमें डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है तो डिनोमिनेटर में जो भी है वो दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई बोथ टर्म बाई 4, 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 × 4 और 1 × 4, ये 4 से 4 कैंसिल, 3:4 ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आपको बेटा इनमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है 1 मानकर चलने से, आप इनको x मानकर कर लेना, x से x कैंसिल हो जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो इसका एक डायरेक्ट मैं आपको बता दूं पैटर्न। ये कहता है नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज इज 3 times द नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ जो फीमेल है वो 3 times होंगी, तो इसका रेशियो डायरेक्ट 3:1 आ जाएगा। जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो 2 times है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। ठीक है, कहता है द नंबर ऑफ गर्ल्स वर्किंग इन ऑफिस इज 2/3, जो हमारे पास गर्ल्स हैं वो 2/3 हैं, बॉयज 1 कर लेना, 2/3 ratio 1, 2/3 ratio 1 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना। कहता है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन इंग्लिश टेस्ट इज 3/4, कितने स्टूडेंट्स पास हुए 3/4 ratio 1, 3/4 ratio 1 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेना, मल्टीप्लाई करके 4 से 4 कैंसिल 3 और 3:4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं तक था, 4 पार्ट्स इसमें थे। जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक डायग्राम दे दिया,
सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हमें डायग्राम दे दिया, हमें ये डायग्राम दिए, एक सर्कल दिया, उसके बाद एक स्क्वायर दिया, सर्कल दिया, स्क्वायर दिया, ट्राइंगल दिया, उसके बाद सर्कल, सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्क्वायर, ये डायग्राम हमें दे दिए, और इन्हीं के ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिया है। अगर किसी के पास बुक भी नहीं है तो यहाँ से वो देख सकते हैं, ठीक है। कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स, इनकी सहायता से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरने, नीचे जो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए। सबसे पहले कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ ए सर्कल, हमें रेशियो निकालना है किसका, नंबर ऑफ स्क्वायर टू दैट नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ स्क्वायर का रेशियो हमें नंबर ऑफ सर्कल के साथ निकालना है, मतलब हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितनी है, तो उनको रेशियो में लिखेंगे। यहाँ से हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल स्क्वायर्स हमारे पास कितने हो गई, 5 हो गए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ सर्कल, सर्कल्स हम काउंट करेंगे कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल हमारे पास 6 सर्कल हो गई, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6, 5:6, ठीक है। अभी पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है बेटा, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता तो दोनों के एचसीएफ से इनको डिवाइड करते और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते। लेकिन 5:6 का एचसीएफ क्या है, पहले से ही 1 है, तो ये एज इट इज रहेगा 5:6, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। बस हमें जो ये डायग्राम्स दिए हुए हैं इनमें से हमें काउंट करने हैं कितने सर्कल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, और उन्हीं का रेशियो घुमा फिरा के पूछा हुआ है हमसे कि रेशियो ऑफ स्क्वायर टू सर्कल, तो स्क्वायर काउंट कर देंगे, सर्कल काउंट कर देंगे। सेकेंड में कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ ए ट्रायंगल, स्क्वायर का रेशियो हमें ट्रायंगल के साथ निकालना है। तो स्क्वायर तो हमने अभी अभी काउंट किए थे, स्क्वायर हमारे पास 5 आए थे, ट्राइंगल हम काउंट कर देंगे, ट्राइंगल हमारे पास कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 4 हमारे पास ट्राइंगल्स होंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। स्क्वायर हमने काउंट किए, सबसे पहली टर्म हमारे पास स्क्वायर दी हुई है, तो यहाँ पर स्क्वायर ही आएगा रेशियो में, स्क्वायर हमारे पास कितनी है, 5। सेकेंड पर हमारे पास ट्राइंगल दी हुई है, ट्राइंगल हमारे पास 4 है, तो रेशियो 5:4। थर्ड वाले में कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल टू दैट ऑफ ए सर्कल, ट्राइंगल का रेशियो हमें सर्कल के साथ निकालना है। तो ट्राइंगल हमने काउंट की थी, ट्राइंगल हमारी कितनी आई थी, 4 आई थी। सर्कल्स हम काउंट करेंगे, सर्कल हमारे पास कितनी आई थी, पीछे 6 आई थी, बाकी काउंट करना चाहो कर लेना आप दोबारा से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 हमारे पास सर्कल आ गई थी, तो 4:6, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है बेटा, 4:6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, 2:3 आ गया, ये हमारे पास आंसर होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। 4:6 जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 2:3, 2:3, ये हमारे पास क्या होगा आंसर, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल टू द टोटल नंबर ऑफ फिगर, ये थोड़ा सा अलग कह दिया, कहता जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सर्कल है उसका रेशियो हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ सर्कल, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फिगर्स का, जितने भी डायग्राम्स है उन सभी के साथ रेशियो निकालना हमें सर्कल का। तो सर्कल तो हमने काउंट की थी, सर्कल हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल सर्कल तो हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। रेशियो में टोटल नंबर ऑफ फिगर हम काउंट करेंगे, टोटल डायग्राम हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल हमें 15 फिगर दिए हुए हैं, तो 6:15, ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 और 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 2:5 हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2:5 आंसर। इसी तरह से कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल
टू द टोटल नंबर ऑफ फिगर्स, जो हमारे पास टोटल ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स का रेशियो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फिगर के साथ। टोटल ट्राइंगल हमने काउंट की थी, टोटल ट्राइंगल हमारी 4 आएंगी यहाँ पर, 1, 2, 3, 4 टोटल ट्राइंगल 4 हो गई। टोटल फिगर हमने अभी अभी काउंट की थी, 15 आई थी, 4:15, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वेयर टू दैट ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ फिगर, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स का रेशियो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फिगर्स के साथ। तो नंबर ऑफ स्क्वेयर हम काउंट कर देंगे, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हमारे पास कितने आएंगे, 5 आएंगे, और टोटल नंबर ऑफ फिगर्स जो है वो 15 है, 5:15, और 5:15 को जब स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 3 आ जाएगा, 1:3, ठीक है, 1:3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। यही तक थर्ड सेकंड क्वेश्चन तक बेटा आपको कंप्लीट करने, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो ये बेसिक दिया हुआ ना इसको तो बिल्कुल ही अच्छे से रिवाइज कर लेना इस बेसिक को, ठीक है। अगर ये हमारे पास आ गया ना समझ में बेसिक, तो क्वेश्चंस तो अपने आप हो जाएंगे, फिर क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और ये कंप्लीट कर लेना, 2 questions 8.1 के, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक थी बेटा, ठीक है, ओके।